दोस्तों जब से द रॉक एंड रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 40 के नाइट वन में कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस को हराया है, तब से सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि आखिर कल के मैच में कौन जीतेगा, रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स। दोस्तों सही बताऊं तो कल के मैच में कोडी रोड्स के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि इतना तगड़ा पुश मिलने के बाद डब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 के अंदर दो बार तो कोडी रोड्स को हराएगी नहीं। इसके अलावा दोस्तों रेसलमेनिया 40 के बाद द रॉक भी हॉलीवुड में अपनी मूवीज को लेकर बिजी हो जाएंगे, और काफी ज्यादा रूमर्ड है कि रोमन रेंस भी रेसलमेनिया 40 के बाद कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों काफी सारे रेसलिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि कल के मैच में अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराता है तो फिर कोडी रोड्स बिल्कुल क्लीन तरीके से तो हराएगा नहीं, या तो द रॉक रोमन रेंस को धोखा देंगे या फिर जॉन सीना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, डस्टिन रोड्स और ब्रॉक लेसनर में से किसी एक लेजेंड्स का रिटर्न होगा जो कि रोमन रेंस की हार का कारण बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिला फट्टू ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर कल स्मैकडाउन के बाद एक स्टोरी लगाई थी जिसमें जिला फट्टू ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें फक योर स्टोरी का मैसेज लिखा हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं कोडी रोड्स की स्टोरी को टारगेट करता है। और दोस्तों जिला फट्टू की टी शर्ट का डिजाइन रोमन रेंस की टी शर्ट से मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कल के मैच में जिला फट्टू भी रोमन रेंस की मदद करने के लिए आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर रोमन रेंस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।